ठीक है आ जाओ। काफ़ी बढ़िया नॉर्मल पर्स इनको दे दो, ये पर्स दिखा रहा है ना तो इससे थोड़ा डिस्टर्ब होता है। हाँ दे दो दे दो दे दो आपके। आ जाओ वेरी गुड, बिल्कुल नॉर्मल है। तो मिथुन जी कैसा लग रहा है? बेटर लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, क्या क्या चीज़ों में चेंजेस देखे? आराम हो गया है, पीछे बैक पेन भी सही हो गया है। हाँ 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 बाकी थोड़ी चलने फिरने में भी थोड़ी कंफर्टेबल हो गया है। ओके और नाइट में सोते समय कोई दर्द नहीं? नाइट में दर्द नहीं हो रहा। और चेयर से उठने बैठने में? नहीं नहीं सर, फुल चलने में होता है, ज़्यादा चल लेते हैं ना तो। ठीक ठीक, तो हैप्पी है ट्रीटमेंट सर। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेदा, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो फ्रेंड्स एवियन की सीरीज़ में एक पेशेंट और हैं जो कि हमारे पास झांसी से आए थे और इनका नाम है मिथुन, और मिथुन कुमार जी, तो मिथुन सिंह जी। तो सबसे पहले मिथुन जी से नमस्कार करें। नमस्कार मिथुन जी, बताइए सबसे पहले आपको पेन कब स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद आपने क्या क्या किया? सर मुझे पेन सबसे पहले मार्च महीने में स्टार्ट हुआ, एक साल पहले। एक साल पहले 2021 पिछले साल जी जी, कोविड के समय। कोविड के समय ओके। फिर तो उसी समय से ट्रीटमेंट मैंने झांसी में करवाया, वहाँ से रिलैक्स नहीं मिला। फिर मैंने वीडियो देखी यहाँ की, तब मैं यहाँ आया तो काफ़ी दर्द था पहले, चलने फिरने में सीढ़ी चढ़ने में जैसे बैक पेन होता था। इससे पहले आप एक विजिट और कर गए थे अपने फादर के साथ? जी जी जी, मिल के आके चले गए थे जी, आपसे मिल गए, मिल के चले गए थे। अच्छा फिर अच्छा, आप कहीं जा रहे थे कैंप में जब? अच्छा अच्छा अच्छा, कैंप में जा रहे थे तो इसलिए हैदराबाद साइड गए थे आप कहीं? ओके ओके जी। हाँ हाँ हाँ, आपने कहा 8 तारीख को कैंप है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैं नहीं आ पाया था इसलिए। ओके लास्ट पिछले महीने, पिछले महीने। ठीक है ठीक है। अच्छा जब डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन के बारे में बोला होगा है ना जी, तो कैसा लगा था उस समय, क्या विचार आ रहे थे दिमाग में? सर पहले तो मैंने कभी इसको सुना नहीं था कि बीमारी होती भी है। जब उसने मुझसे बोला ये निकल जाएंगे और हर 10 साल में निकलेंगे, तब तो मुझे सदमा हो गया था। सर हर 10 साल में इसको निकालेंगे जो डाला है आपको, वो आर्टिफिशियल, तो मुझे सदमा हो गया था कि इस उम्र में क्या करेंगे, चलने फिरने में दिक्कत। फिर मैंने आपका यूट्यूब पर देखा, ठीक है, तो यूट्यूब से मालूम चला कि आप इसका इलाज करते हैं। मैंने काफ़ी समय आपको फॉलो किया, मतलब ऐसे कई लोग यूट्यूब पे बनाते हैं वीडियो कि यहाँ इतने दिन में सही करवा देते हैं, यहाँ इतने दिन में थेरेपी से सही करवा देते हैं। जब मैंने आपके कई कैंप देखे जैसे अहमदाबाद, गुजरात, पुणे गया, हैदराबाद भी जाते हैं आप, तो कई पेशेंटों को लाइव देखा, आपका लाइव डिस्कस भी सुना जब आप करते हैं ना, बोलते हैं वो सर। हाँ तो उससे मैंने थोड़ी फॉलो किया उसको, मुझे रिलैक्स मिला। ठीक है, आपकी थेरेपी से मुझे रिलैक्स मिला, वो जो आप योगा एक्सरसाइज करवाते हैं जो आप, हाँ हाँ उससे। तो मैंने सोचा कि सर से मिल लें, मैंने सोचा कि कानपुर पहली बार जाना हो रहा है और देखा भी नहीं है किस जगह ये जगह है, ठीक है, तो मैं पूछते आया यहाँ से। अच्छा एक्सरसाइज कितने दिन किया था घर में? मैंने एक्सरसाइज लगभग 10 दिन किया था। 10 दिन किया था, उससे कुछ फर्क समझ में आ गया? हाँ थोड़ी फर्क, यहाँ मूवमेंट होने लगा था और जकड़न जो थी ना उसमें थोड़ी आराम मिल रहा था। अच्छा अच्छा जी जी, जकड़न से आराम हो रही थी जहाँ ये जकड़ गए थे दोनों। थोड़ा शोर कम करो भाई, चलो ठीक है, तो जकड़न में थोड़ा उससे आराम मिल गया था। जी सर ठीक है। अच्छा तो और भी जो एवियन के पेशेंट हैं आपने यहाँ पर भी देखा होगा, तो काफ़ी सारे पेशेंट यंग एज के ज़्यादा लोग हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? हम उनको यह सलाह देना चाहते हैं सर, जो यंग एज पेशेंट है ना जो, उनसे यही बोलेंगे थेरेपी करवाने के बाद एक्सरसाइज करें कंटिन्यू, और टाइम टेबल से दवाई खाएं, और सर बराबर डाइट का भी ध्यान रखें, ठीक हो जाते हैं यहाँ से। मैंने कई लोगों को देखा, मैंने देखा यहाँ सेकंड सेटिंग वाले हैं जैसे जो दूसरा आए हुए हैं उनको काफ़ी रिलैक्स है, जो पहले हो चुके हैं उन्हीं ने दूसरा मुझे रिव्यू दिया है कि मैं दूसरा आया हूँ दूसरी सेटिंग वाले। वो एक सर सलीम जावेद थे ना वो हमारे साथ वाले, उनसे भी रिव्यू लिया है कि वो कह मैं दूसरा आया हूँ, दूसरा तो काफ़ी रिलैक्स है उनको चलने फिरने में। पहले वो चल नहीं पाते थे, अब वो स्वयं चल रहे हैं, वहाँ चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है। इस तरह के रिव्यूज मतलब यहाँ पे मिलते रहते हैं, सेकंड सीटिंग थर्ड सीटिंग वाले भी। ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है सर, नई एज में है तो कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे हमारी उम्र से काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे हैं,
जो ऐसे आते हैं और फिर चलने लगते हैं अपने हिसाब से। सही बात है, सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथुन जी, और आपका ये रिव्यू हमारे पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह से जो कॉन्फिडेंस है आपने बताया कि यहाँ के सेकंड सेटिंग थर्ड सेटिंग का, तो वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेकंड सेटिंग थर्ड सेटिंग वाले अच्छा रिव्यू दे सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी लोग हमारे इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सर, इसमें नेगेटिव नहीं होना है, माइंड से नेगेटिव नहीं लाना है कि अब हम क्या करेंगे, जैसे थोड़ी चलते फिरते रहना है, अपना ख्याल रखना है। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट। क्या मैं पहले निगेटिव हो गया था कि अब निकलवाना पड़ेंगे, क्योंकि मैं सर एम्स में हुआ आया हूँ, एम्स में भी दिखाया था मैंने, तो उनने कहा था कि ड्रिल कर देंगे फिर कुछ समय बाद बदल देंगे, तो फिर मैंने कहा था इससे अच्छा कि यहाँ दिखा लें। थेरेपी वो भी बोल रहे थे कि थेरेपी बोलो या ड्रिल करवा लो, तो सेम कंडीशन है, इससे अच्छा थेरेपी करवा ली। सही बात है। दस साल में क्यों बदलवाए बार बार उसको, वही मतलब जो अगर पता चला तो ये नहीं कि एक बार में तुरंत आप जाके ऑपरेशन करा लें, थोड़ा सा बॉडी को टाइम दें, एक्सरसाइज डाइट एंड थेरेपी से इन सब चीज़ों से मेंटेन करें। अगर आपका 10 साल चल जाता है तो आपका एक ही प्रिपरेशन बच गया। जी जी जी। अगर और चलता है तो आपने उसका ब्याज खा लिया और बेटर हो गया। झांसी वाले ने मुझसे बोल दिया था कि अगर आज शाम को चेंज नहीं करवाओगे तो कल दूसरा खराब हो जाएगा। झांसी में डॉक्टर हैं जो, उनने बोला था, तो मैंने कहा ठीक है। खराब होना होता है, दूसरा तो वो होता ही है, क्योंकि स्ट्राइड का है तो रुकेगा थोड़ा ना। यहाँ पे कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिन्होंने रिप्लेसमेंट एक करा लिया, आज दूसरे की बारी आ ही रही है, ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने रिप्लेसमेंट करा लिया उसके बाद बारी नहीं है। पास वाले भी हैं वो, उनने करवाया है ड्रिल वाला ऑपरेशन, ड्रिल वाला करवाया, वो है हमारे साथ में, पास में रहते हैं, तो उनका सक्सेस नहीं हुआ है। नहीं सक्सेस होता भी नहीं है, आराम है उनको थोड़ी बहुत थेरेपी से, कह रहे हैं कि आराम है। हाँ, थेरेपी से उनको भी काफ़ी आराम मिला, उन्होंने भी दे दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। तो आपने देखा कि इनके विचार काफ़ी हद तक मतलब जो है, इन्होंने सेंटेंस कंप्लीट होने से पहले और अपने विचार व्यक्त किए, ये भी पेशेंट की जब मन में जब भावनाएं होती हैं तो वो सब बाहर निकलती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और हमारे चैनल में बने रहिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। टिल देन नमस्कार।